हरकतें करना, कस्में खाना, मुसलसल बकवास करना, मिनट समाज करना और इसी से जुड़ी हुई अलामतों की बुनियाद पर एक होम्योपैथिक मेडिसन बहुत ही इफ़ेक्टिव है जो ज़्यादातर इसी से मुशाबा अलामत रखने वाले लोगों को ये होम्योपैथिक मेडिसन दी जाती है। हाय फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसन सेप्टामोनियम पे, जो ज़्यादातर लोग कस्में खाते हैं या मिनट समाज करते हैं, बकवास करते हैं, फ्रेश हरकतें करते हैं, उनको ये मेडिसन जो है ज़्यादातर दी जाती है। यानी कि छोटी एशिया जो बड़ी नज़र आए, यानी कि छोटी छोटी चींटियाँ जो होती हैं, कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह भी जो है वो भी उनको जो बड़े बड़े नज़र आ जाए और पढ़ते हैं तो उनको हरफ जो है एक के दो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी चीज़ें जो है उनको दो दो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हालांकि होती है कि ये जो लोग होते हैं ज़्यादातर उनको भूत प्रेत भी नज़र आते हैं, रूहों से बातें करते हैं, रूह से बातें करते हैं, उन्हें आपने देखा भी होगा और बाकायदे करते भी हैं। तो उन मिजाज वाले लोगों को जो एस्टारमोनियम जो है दी जाती है। जैसे पानी या चमकीली चीज़ यानी कि चिराग या आग से वो अक्सर जो है उनको तशनज हो जाता है, वो उनको अक्सर दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर जो दवाएं देते हैं मज़गी भी जो है ज़्यादा होते हैं। सर को तकिए से उठाते हैं, सर को तकिए से यानी कि तकिया सर के पीछे होता है तो वहाँ से तकिए को उठाते हैं और उनको जो दर्द होता है वो इस टाइप का दर्द होता है, यानी कि उनकी दिमाग में कोई छेद कर रहा है, सुराख कर रहा है, इस टाइप का इनको जो दर्द होता है। और दर्द जो है सुबह 9 बजे से लेकर थोड़ा थोड़ा होता है, 2 बजे के बाद जो है वो दर्द जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। उनकी खून का दबाव जो है सर की तरफ जो ज़्यादा होता है और चलने में वो थोड़े लड़खड़ाते हैं, उनमें जो गिर जाने का जो रुझान भी पाया जाता है। जब नींद में होते हैं तो उनकी आँखें जो अध खुली हुई होती हैं, नींद में जो अक्सर खराटे वगैरह ज़्यादा मारते हैं। तशनद के बाद जो है वो कुछ चीज़ जो है निगल नहीं पाते हैं, उनकी जो मसल की मूवमेंट जो है वो तो होती है लेकिन अंदर वो निगल नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी जो नज़र है वो गायब हो जाती है, वो अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते, रोशनी की जो ख्वाहिश करते हैं कि उनको रोशनी में बिठाया जाए। तो ऐसे लोगों को जो होम्योपैथिक मेडिसिन सेप्टामोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर किसी इंसान में इसी अलामतें मौजूद हों तो उनको सेप्टामोनियम देने से वो इंसान जो है नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन आप खुद से ना लीजिएगा, किसी भी अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह मशवरा करके आप मेडिसिन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आज तक के लिए था इतना ही, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट वीडियो में।